डिविनेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल। तो बिश्ना के पास जो है ये मामला जो है सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर एक गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, और ये गाड़ी जिसकी गाड़ी है वो हमारे साथ मौजूद है इस समय पे। भैया से जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला था। भैया बताइए क्या पूरा मामला था। जा रहे थे अंकल, अच्छा उसे ब्रेक ही नहीं बची, वो गिर गया नीचे। मेरी गाड़ी देखो भैया, स्कूटी पे। हाँ भैया वो देखो स्कूटी पे आ रहे, उनकी उसे ब्रेक ही नहीं बची। अच्छा कितनी तेज हो सकता था। ब्रेक लगी है जी, वो फर्स्ट ब्रेक उन्होंने आगे वाली। और आपकी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है? पूरा टूट गया भैया। इनकी गाड़ी भी स्पीड में थी। अच्छा जिस तरीके का ये चौंक है भैया, यहाँ पर तो पहली बात है स्लो आना बनता था। मैं स्लो ही था भैया। हाँ जी लड़का बेचारा था, मैंने खुद देखा भैया। आप बताइए भैया, ये लाइव चल रहा है इस समय पर, आपको अपना सफाई देना बिल्कुल बनता है। आप सच बताइए कि क्या पूरा मामला था। क्या जवाब दूंगा भैया जी, मेरी 40-50 में स्पीड थी। हाँ जी भैया गाड़ी, आप पूरा शुरू से बताइए क्या पूरा वाक्या हुआ। हम उनके पीछे थे जी, जैसे हमने देखा तब जब हम यहाँ पे थे ना, जी 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 मेरी गाड़ी दिखो। और ये स्कूटी चला, आपकी स्कूटी थी, स्कूटी थी। और ये भैया पूरी स्कूटी चला रहे थे, इनको लगी भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई बताएंगे। भैया आप बताइए क्या पूरा मामला हुआ। रोड में था, आस्ता था, मेरे पीछे आ रहे थे। हाँ जी आगे से तेज आ रही थी गाड़ी, देखो ना कहाँ लगी। हाँ तो आपको किसने हिट किया, कौन सी गाड़ी ने हिट किया? देखो भैया ये गाड़ी है, जो उनकी गाड़ी जो है वो भी डैमेज हो चुकी है, और भैया हैं जिनको अभी चोट भी लगी है। आप भैया हॉस्पिटल के लिए निकले, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई हॉस्पिटल लेकर। आप स्कूटी चला पाएंगे? स्कूटी मेरी डैमेज हो गई। स्कूटी डैमेज होगी आपकी, भैया आप ले जाएंगे इनको हॉस्पिटल? आप इनके साथ आप उसी रोड पे जा रहे हैं ना? हम ये बोल रहे हैं जी, मतलब ये है कि सबको स्लो रखो। बट उनका कहना है कि उनकी गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है। जी इंसान से ऊपर है गाड़ी। जी 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 अभी तो कोई जानी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर जानी नुकसान होता तो कितना बड़ा होता। ये बच गया मैं बोल रही हूँ। हाँ जी जी उनको ऐसे टर्न होके गई है ना गाड़ी उनकी पूरी ऐसे। अच्छा स्कूटी के साथ कौन सी गाड़ी बजी? ये वाली, ये ब्लैक वाली। ये गाड़ी जो है वो एक स्कूटी के साथ हिट की है, जो हमने आदमी का चित्र आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वही आदमी स्कूटी पर था, और ये गाड़ी जो है उस आदमी को हिट होती है और वो आदमी जो है लहूलुहान हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये गाड़ी जो है वो स्पीड पर आ रही थी। कितनी स्पीड की थी गाड़ी ये? वो खुद 54-50 बोल रहे ना जी, 50 बोल रहे खुद जी। मोड़ के ऊपर 40-50 क्यों रख रहे हैं जी? स्लो करना चाहिए, खुद भी सेव रहे दूसरों को। और आप स्कूटी के पीछे थे? हम स्कूटी के पीछे, इवन हम ब्रेक ना मारे तो वो स्कूटी के ऊपर ही चढ़ जाते ना हम भी, हम तो बिना बात के फंस जाते। जी जी आपको कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ? आपको तो उसी वक्त ब्रेक कर लिया हमने, तो उनको पूछा कि वो बोल रहे उनको वैसे चक्कर आ रहे हैं मुझे लग रहा। हाँ हाँ भैया घूम गया लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा, और वैसे भी इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, और ना जाने उनको किस तरीके से जो है चोट लगी। भैया आप ठीक हो ना? है ना, आप बैठ जाइए कहीं छांव में और पानी का इंतजाम करते हैं आपके लिए। अच्छा आपने फोन कर दिया है? आपने फोन किया है? एक मिनट सुहा किधर किधर लगी है तुम्हें? एक बाजू पे उनकी आप देख पा रहे हैं खरोच आई है, और इन्होंने हेलमेट जो है वो भी पहना हुआ था। भगवान ना करते अगर हेलमेट इन्होंने नहीं पहना होता तो ना जाने कितनी चोट जो है इनको लगती, हो सकता है इनकी हालत जो है वो गंभीर हो जाती। लेकिन हेलमेट भी इन्होंने पहन रखा था, उस वजह से जो है इनको चोट कम आई, सिर्फ खरोच जो है इनकी बाजू पर लगी है। अभी आपकी गाड़ी चल रही है थोड़ी बहुत? भैया आप एक काम कीजिए, आप हाँ हम कोशिश करेंगे कि जिनको चोट लगी है उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनकी मरहम पट्टी की जाए। गर्मी की वजह से भी जो है उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मरीज़ है उसको जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं बिश्ना इलाके का जो है ये चित्र है, जहाँ पर इस गाड़ी ने जो ये ब्लैक कलर की XUV300 है, इस गाड़ी ने स्कूटी वाले को हिट किया है, और स्कूटी की जो है हालत, जो स्कूटी चला रहे थे उनकी हालत गंभीर हो गई,
उनको स्क्रैचेज आए हाथों पर टांग पर जानी नुकसान किसी को नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं जो गाड़ी है कितने बुरे तरीके से गाड़ी ने जो है वो स्कूटी वाले को हिट किया होगा कि गाड़ी का जो टायर है वो एकदम ही जो है धस गया था और ये गाड़ी से ये रिम भी जो है वो बाहर निकलने को हो रहा है। आप खुद सोच सकते हैं कितनी जोर से इस गाड़ी ने जो है वो स्कूटी वाले को हिट किया होगा। और जो स्कूटी चला रहे थे उनको ऐसा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन स्क्रैचेस जो है उनको आ रखी हैं, खरोचे जो हैं आ रखे हैं और भैया जो हैं जो गाड़ी चला रहे थे वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। बट भैया आपके लिए लगता चौंक पे थोड़ा स्लो चलना चाहिए था आपको। था भैया मैं गलती कहाँ हुई भैया? गलती भैया अंकल से, अंकल फास्ट थे उन्हें मारी पहले अपनी ब्रेक मारी बबल स्कूटी था जब वो गिरे ना गाड़ी हिट नहीं हुई थी बिना गाड़ी के हिट हुए वो पहले बबल हुए थे। अच्छा तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो कैसे हुआ? स्कूटी मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है। अच्छा स्कूटी गाड़ी के नीचे आ गई और क्या? मैं बोल रही हूं ये बच गई है। अच्छा अच्छा बंदा पूरा पलट गया है लेकिन ये कह रहे हैं कि स्कूटी जो है वो बबल की पहले जी 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 जी। तो आपका कहना साफ तौर पर इनकी गलती है, ये जो तेज आ रहे थे और इन्होंने गलती कर दी है, इनको माफ कर दो बच्चा यार। भैया आप एक काम कीजिए अपनी गाड़ी साइड पे लगाइए, पहले उनको हॉस्पिटल पहुँचाइए क्योंकि अब उनको चोट तो लगी है। इसको टो करवाइए गाड़ी को ना। यार ये गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बाहर निकल कर आ गए हैं सामने। भैया उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए, उनको ना ज्यादा चोट लगी है। ये अच्छा है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। ये चित्र आप देख रहे हैं बिश्नाह के इस समय पर जो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी ने जो है स्कूटी वाले को हिट किया है। जो गाड़ी चालक थे उनका ये कहना है कि वो स्कूटी वाला पहले खुद ही बबल हुआ ब्रेक मारने की वजह से और उसके बाद उनकी स्कूटी जो है वो उनकी गाड़ी के नीचे आ गई जिसकी वजह से जो आप देख पा रहे हैं उनका टायर है वो भी जो यहाँ पर है बाहर निकलने की हालत में है और गाड़ी का एक्सेसरीज हैं जो टायर के आसपास की चीज़ें हैं वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। चाहे हम बात करें रिम का, रिम की वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और साथ ही साथ गाड़ी से तेल भी निकला है। और स्कूटी की अगर मैं स्कूटी की बात करूं तो स्कूटी जो है उसको भी काफी नुकसान हुआ है। साफ तौर पर चित्र आप देख पा रहे हैं बिश्नाह के। मैं आपको एक बार स्कूटी दिखाने की कोशिश करूंगा और ये वो शख्स हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। अंदर से तो नहीं लगी ना ज्यादा कुछ? ऐसे ठीक हो? आओ आप इधर छांव में बैठो। स्कूटी कौन सी थी आपकी? ये लाल वाली स्कूटी है और ये स्कूटी है। आप स्कूटी साफ तौर पर देख पा रहे हैं, स्कूटी को भी जो है काफी नुकसान पहुंचा है। स्कूटी भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है काफी। अब ना ही वो स्कूटी चलाने के लायक रही है, चलने के लायक रही है, ना ही वो गाड़ी चलने के लायक रही है। और जिनकी गाड़ी थी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूटी पहले बबल हुई उसके बाद स्कूटी जो है वो गाड़ी के नीचे आ गई। और भैया का ये कहना है कि ये भैया तेज चल रहे थे। कितनी देर में आ रहा है वो? फोन किया आपने उनको? पानी की बोतल है आपकी गाड़ी में? पानी की बोतल है गाड़ी में किसी के? पानी की बोतल आपकी गाड़ी में? पानी की बोतल होगी? कोई बात नहीं, वो उनके लग गई है वहां पे पानी डालना है। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे उनके जो घाव है उस पर मिट्टी ना लगे। भैया ये पानी डालिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसको डालो अभी के अभी डालो, इन्फेक्शन ना हो। कोशिश करेंगे हम पानी डालने की ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़े क्योंकि काफी ज्यादा स्क्रैच जो है इनको लगी है। काफी दलेर है भैया जो इतना लगने के बाद भी जो है अभी खड़े हैं अपने पैरों पर और एकदम मुस्कुराते हुए। भैया एक बार हंस दो, ज्यादा लगी तो नहीं है ना? एक बार हंस दो भैया। काफी मुस्कुराते हुए भैया नजर आ रहे हैं क्योंकि लगी है। ये बोतल दे देना उनको। और भैया जो है बिल्कुल ठीक है इस समय, मुस्कुरा रहे हैं। भैया एक बार मुस्कुरा के बोल दो मैं ठीक हूँ। चलो भैया जो है ठीक है बिल्कुल, स्क्रैचेस आए हैं खाली उनको। वो बोतल अच्छा अच्छा टीवी नेशन न्यूज़ ये फेसबुक पर देखो।
ये चित्र आप देख पा रहे हैं इस समय विश्राक है, जहाँ पर जो है एक गाड़ी वाले ने एक स्कूटी वाले को हिट किया। मैं आपको फिर से एक बार स्कूटी की हालत दिखा देना चाहता हूँ कि ये वही स्कूटी है जो गाड़ी के नीचे आ गई, और ये भैया हैं जो स्कूटी चला रहे थे। भैया बिल्कुल ठीक है, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको भी जल्द से जल्द जो है मरहम पट्टी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इनका बेटा जो है, इन्होंने अपने बेटे को कॉल किया है, और वो गाड़ी है वहां पर XUV 300 जिसने जो है हिट किया है, और इस गाड़ी ने जो है वो हिट किया स्कूटी को। इनका कहना है कि स्कूटी जो है गाड़ी के नीचे आ गई, जैसे ही गाड़ी बबल हुई, क्योंकि स्कूटी भी स्पीड में थी, गाड़ी भी स्पीड में थी, और स्कूटी जैसे ही बबल हुई तो वो गाड़ी के नीचे आ गई। और आप देख पा रहे हैं कि इसका तेल भी निकला हुआ है, और गाड़ी के जो आसपास की चीजें हैं वो भी बिल्कुल नुकसान हो चुका है। भैया कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? पूरा बम्पर टूट गया भैया। कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? भैया देखो कुछ एस्टीमेट लगा लो कितना नुकसान। अब आप क्या चाहते हैं कि इसकी भरपाई कैसे हो? क्या उसको बंद कर दो, कहां चले गया वो? चलो आपको फिर से बता दूं कि बिश्नाह रोड पर जो है एक एक्सीडेंट का वाकया सामने आया है, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हो पाया हुआ है, लेकिन साफ तौर पर यह बता दें कि एक आदमी जो है वो स्कूटी चला रहा था वो घायल हो चुका है। स्कूटी जो है उसकी बबल होती है, उसके बाद गाड़ी के नीचे आ जाती है, लेकिन जो आदमी है वो स्कूटी से साइड होकर गिरता है, लेकिन ज्यादा स्क्रैच तो ज्यादा कुछ चोट तो नहीं लगती उनको, लेकिन स्क्रैच जो है बाजू पे टांगों पर उनके आते हैं। लेकिन भैया जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आए, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि भैया जो है वो जिंदा दिल है और बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग है, तो उनको भी जो है हॉस्पिटल भेजा गया है आगे के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी चोट जो है वो जल्दी ठीक हो पाए। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान है वो गाड़ी स्कूटी दोनों का हुआ है। आप देख रहे थे टीवी नेशन न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।